और यहाँ जो है सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग बहन भाई का प्यार चल रहा है, बहुत ही प्यार से अपनी आपी को उठा रहा है और वो भी सब बहुत सारा प्यार कर रही है और ये सब प्यार हो रहा है बाहर जाने के लिए। Going for breakfast? Going for breakfast? Yes? Bolo, wake up, papi. Assalamualaikum, it's an SRB lounge. और हम अभी जो है ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे हैं। हम जो है ना हलवा पूरी खाने पहुंच चुके थे और यहाँ पर हम सब चीज़ें चेक कर रहे थे क्या क्या है। इसका फ्लेवर बहुत टेस्टी होता है लेकिन यहाँ बस चाय अवेलेबल नहीं होती, तो हम जो है यहाँ पर आज का ब्रेकफास्ट संडे ब्रेकफास्ट जो हमारा था वो हलवा पूरी का था और आज हमने बाहर जाके ही हलवा पूरी इंजॉय की। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे। सैनिटाइजर निकालो बला। थोड़ा थोड़ा लगाना। साइड पर थोड़ा सा चाल है। बस बताती चले स्टार्ट करो अपना खाना। उतरना नहीं आप लोग नीचे ट्रेन। आइसबर्ग लेटस बहुत अच्छे हैं। आइसबर्ग लेटस अच्छे हैं। इट्स नॉट अ कैबेज सलाद पत्ता। शिमला मिर्च एक ले दें। शिमला मिर्च भी दे दें। एक ये वाली साइज की ले लें यार। हाँ बहुत ऐसा ही है। अच्छा आज अब हम वापसी में जो है ना यहाँ पर वेजिटेबल लेने आ गए। ये देखें अरबी भी है और आज ले लें ले लें।
चाय मैंने रखी है और अब जो है ना मैं आटा गूंथ रही हूँ। आटे के लिए चीज़ें देखिए, मेरी चाय तैयार हो गई है। मैंने आटा भी गूंथ दिया है और जो है गोश्त बीफ का जो था बीफ लेकर आए थे वो मैंने कीमा उसका वॉश करने के लिए रख दिया है और मसाले भी बना के रख लिए हैं। फिर मैं सीख कबाब बनाऊंगी उसके बच्चों के लिए और मैं अपनी चाय पीती हूँ। सर में बहुत शदीद दर्द है और टाइम हो गया है तकरीबन 12:40 हो चुके हैं, 45 ही होने वाले हैं। हस्बैंड मेरे शेप बनवाने गए हुए हैं और फिर जब वो आएँगे दोपहर का जो भी सिनेरियो होगा वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। देखते हैं, मैंने जो है ना सालन रख दिया पकने के लिए, कड़ी बन गई है। ठीक है, यहाँ पर और बेसन भी मैंने मैरिनेट करके छोड़ दिया क्योंकि जितना अच्छा आप पहले ही करके रखते हो ना उतने अच्छे आपके जो है ना पकौड़े वगैरह बनते हैं। तो ये जैसे ये भी तैयार होती है तो फिर इंशाल्लाह पकौड़े इसमें ऐड कर दूँगी। तो ये सालन हो गया और मैंने जो है कबाबों का मसाला मैरिनेट करके वो भी फ्रिज में रख दिया ताकि जितने अच्छे वो भी मैरिनेट होते हैं उतने अच्छे टेस्टी बनते हैं। तो वो मैं बेलना करके रख रही हूँ और पकौड़े में डालने के लिए थोड़ी सी, और बाकी मैं इसका सालन बनाऊँगी इंशाल्लाह जल्दी। तो वो मैं भी साफ़ करके रखती हूँ, बच्चे और हस्बैंड सो गए हैं। देखते हैं आप पालक की हालत किस तरह की है। बहुत ज़्यादा अच्छी ढूंढने के बावजूद भी ना ये कुछ इस हालत में मिली है मुझे। तो बस जो भी निकलती है गुजारा तो करना है इससे हमने। अब जो है ना मैं बना रही हूँ पकौड़े और यहाँ जो है ना कड़ी बिल्कुल डन हो चुकी है। देख सकते हैं कितना खूबसूरत इसका कलर है। बस पकौड़े डालते हैं उसमें तड़का लगाएंगे हम ज़बरदस्त किस्म का। कड़ी बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म की तैयार हो चुकी हैं और ये मैंने पकौड़े भी निकाल लिए हैं और रोटियां भी मैंने जल्दी से बना ली हैं। 4:30 बजे हो चुके हैं और अब हम जो है ना लंच कर रहे हैं आज दोपहर में इतनी देर से। मामा आपकी बहुत तबीयत खराब है इसलिए आपको हमने दी है, अब हम आपकी चाय भी बनाएंगे। Thank you for the tea finally for me after long time. बहुत टाइम के बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे चाय बना के दिए तबीयत खराब होने की वजह से। चलें चेक करते हैं कैसी चाय है। So special for me. अच्छा जी, और ये था हमारा रात का जो है डिनर। बाहर से एक जिंगर बर्गर आया था, वो भी बोल बोल के मैंने ना और हस्बैंड को बोला और वो ले कर आ गए क्योंकि दिल नहीं चाह रहा था कुछ भी खाने का। अजीब सा फीवर सा हो रहा है, कुछ इस तरह का सीन है तो बहुत मुँह करवा हो रहा है। और ये रात का हमारा डिनर है। अच्छा, ये डिनर है और यहाँ ही ब्लॉग एंड होता है। ठीक है जी, उम्मीद करती हूँ कि आपको ब्लॉग अच्छा लगेगा और इंशाल्लाह फिर आपके साथ नए ब्लॉग के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।